हेलो एवरीवन, कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ यार। ये बताओ कि जब हमारे पेरेंट्स किसी दुकान में शॉपिंग करने जाते हैं तो अक्सर क्या कहते हैं? भैया थोड़ा सा कुछ अलग दिखाना, समथिंग स्लाइटली डिफरेंट, यू नो वैरायटी। आज मैं भी वो ही करने वाला हूँ बाय टेलिंग यू अबाउट अ वेरी यूनिक इंडिजिनस स्पोर्ट ऑफ इंडिया। मैं हूँ मनीष बटाविया एंड यू वॉचिंग द फिट इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत शो। और आज जिस स्पोर्ट की मैं बात करने वाला हूँ, It's a different ball game altogether। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये स्पोर्ट आपको लगेगा वॉलीबॉल जैसा, लेकिन ये वॉलीबॉल है नहीं। इस इंडिजिनस स्पोर्ट ऑफ इंडिया का नाम है शूटिंग बॉल। ऐसा माना जाता है कि शूटिंग बॉल का इतिहास भारत में आजादी से भी पहले का है। ऐसा मानने की मुख्य वजह ये है कि ये खेल जितना भारत में पॉपुलर है उतना ही पाकिस्तान में भी फेमस है। शुरुआत में इस खेल को लोग मेनली फिटनेस पर्पस से खेलते थे। दो टीमें होती थी और मैदान के बीच में एक रस्सी बांध के कपड़े की गेंद से शूटिंग बॉल का खेल खेला जाता था। खेल का मुख्य उद्देश्य होता था गेंद को अपने विरोधी के कोर्ट में डालना। क्योंकि इस खेल में पावर, स्टेमिना, फुर्ती और फ्लेक्सिबिलिटी की काफी जरूरत होती थी, इसलिए लोग इस खेल को फिटनेस के लिए ही काफी अच्छा मानते थे। धीरे धीरे रस्सी की जगह नेट का यूज होने लगा और कपड़े की जगह लेदर बॉल का उपयोग शुरू हो गया। इसके अलावा ये खेल एक निश्चित कोर्ट में भी खेला जाने लगा। शूटिंग बॉल का क्या सफर, हिंदी वाला सफर रहा है। व्हाट अ जर्नी फ्रॉम बीइंग जस्ट अ फिटनेस एक्टिविटी टू बीइंग अ फुल ब्लोन स्पोर्ट एट द टॉप लेवल। अब ये शूटिंग बॉल का खेल इतना जो इवॉल्व हुआ है, जाहिर बात है उसमें उसके रूल्स और रेगुलेशंस और फील्ड ऑफ प्ले और बाकी फॉर्मेलिटीज भी काफी चेंज हुई होगी। एंड आई नो यू आर क्यूरियस टू फाइंड आउट व्हाट दे आर। नोटपैड लो, पेन लो, लिखना शुरू करो। हियर दे आर। शूटिंग बॉल का कोर्ट रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जिसके डायमेंशंस हैं 33x66 फीट। कोर्ट के बीचों बीच नेट होती है जो कोर्ट को दो इक्वल हिस्सों में बांटती है, और उस नेट के ठीक नीचे खिंची इस लाइन को सेंटर लाइन कहा जाता है। दोनों ही साइड के कोर्ट्स में एक नेटमैन लाइन होती है जो सेंटर लाइन से 11 फीट की दूरी पर होती है। प्लेइंग एरिया के चारों ओर 2 मीटर तक का फ्री जोन भी होता है। आपको ये भी बता दूं कि कोर्ट में जो भी लाइनें खींची होती है उसकी चौड़ाई 2 इंच की होती है। एंड लाइन के पीछे दोनों तरफ 8x8 फीट का एरिया होता है, जिसे सर्विस जोन कहते हैं। नेट की हाइट सीनियर और जूनियर बॉयज के लिए 8.1 फीट की होती है, वहीं गर्ल्स और सब जूनियर बॉयज के लिए नेट की हाइट 7.8 फीट की होती है। नेट की लेंथ 34 यानी कि 34 फीट और विथ 1 मीटर होती है, और ये नेट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के बने होते हैं। शूटिंग बॉल में इस्तेमाल किया जाने वाला बॉल सॉफ्ट लेदर का बना होता है और उसके अंदर ब्लैडर होता है। इसका वजन मेंस कैटेगरी के लिए 320 ग्राम का होता है, जबकि वुमेन्स कैटेगरी के लिए 270 ग्राम का होता है, और इसमें 10 ग्राम ज्यादा या कम हो सकता है। बॉल का सर्कमफेरेंस 55 से 58 सेंटीमीटर का होता है और इसमें इनसाइड प्रेशर 24 पाउंड के आसपास का होता है। कमाल है यार, अलग अलग कैटेगरीज में नेट की हाइट अलग, बॉल का साइज अलग। एंड आई एम श्योर अब तक तो आपको यकीन हो गया होगा कि शूटिंग बॉल का ये स्पोर्ट भले ही दिखता हो वॉलीबॉल जैसा, लेकिन है एकदम अलग, राइट? नो? अगर अब भी कंफ्यूजन है तो फिकर नॉट, मुझे यहाँ पर किस लिए रखा गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि शूटिंग बॉल का ये खेल खेलते कैसे हैं, कौन से अलग अलग स्किल्स चाहिए, एंड अ फ्यू अदर रेगुलेशंस दैट यू नीड टू नो बिफोर यू स्टेप ऑन टू द कोर्ट टू प्ले शूटिंग बॉल। शूटिंग बॉल की एक टीम में मैक्सिमम 12 खिलाड़ी हो सकते हैं, जिसमें 7 प्लेइंग मेंबर और 5 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होते हैं। 7 प्लेइंग मेंबर्स में से 2 खिलाड़ी बैक से खेलते हैं, 3 खिलाड़ी सेंटर ऑफ द कोर्ट पे होते हैं, जबकि 2 खिलाड़ी जिन्हें नेटमैन भी कहा जाता है वो नेटमैन लाइन के अंदर होते हैं। जब बॉल नेट में जाती है तो नेटमैन का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। 15 पॉइंट तक पहले पहुंचने वाली टीम विनर मानी जाती है। अगर स्कोर 14-14 का हो जाए तो गेम तब तक चलता रहता है जब तक कोई टीम 2 पॉइंट्स की लीड ना ले ले। 18-18 पॉइंट्स होने के बाद 19वां पॉइंट जीतने वाली टीम विनर होती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि नेट की हाइट, कोर्ट का साइज और खेलने के तरीके में कई जगह काफी वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं।
स्किल्स की बात करें तो शूटिंग बॉल में सबसे पहली और इम्पोर्टेंट स्किल होती है सर्विस। सर्विस करने के लिए पहले एक हाथ में बॉल लेकर उसे टॉस किया जाता है और फिर दूसरे हाथ से मुट्ठी बांधकर टॉस किए हुए बॉल को दूसरे साइड के कोर्ट में हिट करना होता है। इसे अंडर हैंड सर्व भी कहा जाता है। दूसरी इम्पोर्टेंट स्किल है डिफेंस, और डिफेंस तीन तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका है अपनी एक हथेली को दूसरे हाथ पर रख के बॉल को ओपोनेंट के कोर्ट में पहुंचाना। दूसरा तरीका है सिंगल हैंड डिफेंस, जिसमें एक ही हाथ की मुट्ठी यानी कि फिस्ट से बॉल को दूसरी साइड भेजना। और तीसरा और सबसे मजेदार तरीका है बाय यूजिंग योर हेड। जी हाँ, अपने सिर का इस्तेमाल करके भी बॉल को ओपोनेंट के कोर्ट में पहुंचाया जा सकता है। अब डिफेंस से आते हैं ऑफेंस पर, यानी अटैक कैसे करें। अटैक करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके पूरे फोर्स के साथ बॉल को ओपोनेंट की ओर फेंकना। कमाल की बात यह है कि अटैक करने के लिए जंप शॉट भी मार सकते हैं। अटैक करते समय बॉल अगर नेट में चली जाए तो नेटमैन का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेट में गई बॉल को ग्राउंड पे टच होने से पहले वो वापस अपने कोर्ट में टॉस करता है, जिसे उसकी टीम का कोई भी मेंबर ऑपोजिट कोर्ट में अंडर हैंड डिफेंस से फेंक सकता है। हर मैच शुरू होने से पहले एक टॉस होता है, जहां जीतने वाले कैप्टन को ये तय करना होता है कि उसे साइड सिलेक्ट करनी है या फिर पहले सर्विस करना है। ज्यादातर मैचेस या तो बेस्ट ऑफ थ्री या फिर बेस्ट ऑफ फाइव फॉर्मेट में खेले जाते हैं। एक सेट के दौरान हर टीम मैक्सिमम दो प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट कर सकती है। हर एक टीम पर सेट दो टाइम आउट ले सकती है और हर टाइम आउट का ड्यूरेशन होता है 2 मिनट। पांचवें या डिसाइडिंग सेट में कोई भी टीम जब 8 पॉइंट पर पहुंच जाती है तो ऑटोमेटिकली टेक्निकल टाइम आउट कॉल किया जाता है और उस समय टीमों को कोर्ट चेंज करना होता है। कोर्ट पर किसी भी तरह के मिसकंडक्ट के लिए प्लेयर्स को पिनलाइज करने का पूरा अधिकार रेफरी को होता है। छोटे मोटे ऑफेंस के लिए येलो कार्ड दिखाया जाता है, जिसमें लॉस ऑफ सर्विस की पेनल्टी दी जाती है। और जब किसी ऑफेंस के लिए खिलाड़ी को ब्लू कार्ड दिया जाए, उसका मतलब है कि वो खिलाड़ी उस सेट में 2 मिनट तक हिस्सा नहीं ले सकता। सबसे ज्यादा सीवियर पेनल्टी होती है रेड कार्ड में। अगर किसी प्लेयर को किसी बड़े ऑफेंस के लिए रेड कार्ड दिखाया जाता है तो उसे उसी समय प्लेइंग अरीना से बाहर चले जाना होता है, जिसे डिस्क्वालिफिकेशन भी कहते हैं। शूटिंग बॉल का ये स्पोर्ट किसी पॉपुलर बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं, क्योंकि इसमें है एनर्जी, एक्साइटमेंट, पंचेस और स्मैशेस, जो बनाता है इसे एक सुपर हिट स्पोर्ट। इट इज एन एब्सोल्यूट पॉट बॉयलर। और वैसे भी अगर किसी स्पोर्ट में सारी चीजें ना हो तो उसे देखने का या खेलने का क्या मजा, राइट? अब इस स्पोर्ट की खासियत ये भी है कि इसमें एक अनोखा फॉर्मेट है और चैलेंजिंग स्किल सेट्स की भी रिक्वायरमेंट। ऐसे ही थोड़ी इंडिया में पॉपुलर हो रहा है, और दुनिया भर में भी इसके अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं। शूटिंग बॉल फेडरेशन के एस्टैब्लिश होने के बाद इस गेम का पहला नेशनल चैंपियनशिप 1976 में दिल्ली के आम्बेडकर स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया, और 1985 में शूटिंग बॉल फेडरेशन को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स ने ऑफिशियल रिकॉग्निशन दी। 2018 में एशियन शूटिंग बॉल फेडरेशन ने भी शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को ऑफिशियल मान्यता दे दी। आज के समय में भारत में शूटिंग बॉल के कई टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के नेशनल चैंपियनशिप्स और ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स के अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत कराए जाने वाले जोनल टूर्नामेंट्स भी शामिल है। आज शूटिंग बॉल का ये खेल न सिर्फ भारत और पाकिस्तान बल्कि यूएसए, कनाडा और कई अफ्रीकी देशों में भी काफी पॉपुलर है। अरे वाह, नॉट जस्ट इन इंडिया बल्कि दुनिया भर में ही शूटिंग बॉल पॉपुलर हो रहा है। वेरी गुड। वैसे नॉट जस्ट प्रॉपर प्लेयर्स बल्कि आम इंसान भी इसे खेलता है एज अ फिटनेस रूटीन और एज अ हॉबी। और ये हॉबी सकता है, हो भी सकता है कि अगर आप इस स्पोर्ट को सीखना खेलना शुरू करें, यू माइट बी एबल टू कम्पीट एट द टॉप लेवल। है ना पूरी दुनिया दीवानी स्पोर्ट की? यही तो पावर है इंडिया के इंडिजिनस स्पोर्ट्स का। एंड आई बी बैक वेरी सून विद द स्टोरी ऑफ येट अनदर इंडिजिनस स्पोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द फिट इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत शो। तब तक आप किसी कोच को ढूंढो और शूटिंग बॉल को सीखना खेलना शुरू करो। एंड हाँ, प्लीज रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ यू प्लेइंग दिस स्पोर्ट, मतलब शूटिंग बॉल का शूटिंग करो और पूरी दुनिया को वो वीडियो दिखाओ, थोड़े पॉपुलर हो जाओगे, राइट? आई विल सी यू सून। तब तक स्टे फिट और जय हिंद।